प्रकार की योजना संचालित हो रही है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है। और हमारे बीच जो ग्रामीण उपस्थित है और माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और माननीय मुखिया जी विद्यालय के तरफ से इन सबों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि यह बाउंड्री वॉल और कलश मिट्टीकरण माननीय मुखिया जी के द्वारा करवाया गया। और विद्यालय से सटे एक जमीन और है जो कुछ दूरी पर है, मात्र 13 कट्ठा छोड़ दो। मैं माननीय से आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसमें पितृत्व लाभ का भी प्रावधान है जिसमें आपको 6,000 रुपए मिलते हैं। दुर्घटना वर्ष कुछ होने पे आप लोग को 4 लाख की सहायता दी जाती है, मृत्यु होता है तो 1 लाख रुपए। अगर आपके बच्चे ग्रेजुएशन में कहीं बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए 20,000 रुपए सरकार देती है। अगर कोई अच्छा कॉलेज में दाखिला हो गया IIT IIM में तो पूरा फी माफ। यहाँ तक कि आप अगर घर बनाते हैं अपना उसका मरम्मति करते हैं उसके लिए भी योजना है। इसके अंदर अपने बालक बालिकाओं के लिए आप शादी में 50,000, 10th 12th, ग्रेजुएशन एक तरह से पूरी तरह से निःशुल्क टाइप का आपका पढ़ाई हो जाता है। तो इसमें कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन है कि आप लोग निर्माण कार्य से जुड़े हो। निर्माण कार्य से जुड़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मजदूर नहीं हो गए, कोई भी जो निर्माण कार्य से जुड़े हो आप बना सकते हैं। आप ये ऑनलाइन अपना निबंधन करा सकते हैं। BOCW ये साइट का नाम है, BOCW.bihar.gov.in। ये साइट पे जाके आप लेबर कार्ड BOCW कार्ड करके निबंधन होता है इसका, आप लोग निबंधन कराए। एक तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी साइकिल चलता है हर में ये योजना का लाभ मिलेगा। और जैसे शिक्षा के संबंधी योजनाओं के बारे में भी जैसे आप लोगों को बताया गया है, अगर कोई बालिका 10th पास करती है फर्स्ट डिवीजन से 10,000 रुपए सरकार देती है। अगर वो अनुसूचित जाति या जनजाति से है तो सेकेंड डिवीजन में भी 8,000 का प्रावधान है। अगर इंटर पास करते हैं तो 25,000, ग्रेजुएशन करते हैं तो 50,000। आप लोग ये समझिए कि ऐसी योजना क्यों लाई गई 10th पास करने पे बालिकाओं के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं समाज में, बहुत कम उम्र में बालिका का शादी कर देते हैं जिससे उनका आगे चल के हेल्थ पे भी दुष्प्रभाव होता है। यहाँ तक कि उनका कैरियर तो बर्बाद होता ही है लेकिन उनका हेल्थ पे भी भविष्य में दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पे होता है। इसी का रोकथाम करने के लिए और बालिका को आगे बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई है ताकि आप लोग अपनी बेटी लोग को पढ़ने के 12th पास करने पे भी एक राशि का प्रावधान रखा गया है, ग्रेजुएशन करने पे भी। और जो एक और जो आप लोग को श्रम कार्ड के तहत योजना का लाभ बताया है वो सारा आप लोग को इंसेंटिव है ताकि अपनी बालिका लोग को आगे बढ़ाए। आजकल लोग ये भी सोचते हैं कि 10th पास कर दिए 12th पास कर दिए बालिका लोग का पढ़ाई हो गया, शादी की ओर देखने लगते हैं। लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये सरकारी योजना बालिकाओं का भविष्य भी देखे, उनका स्वास्थ्य भी देखे और कुछ समय वो लोग को आगे बढ़ने के लिए उनका पूर्ण रूप से सहयोग करे। धन्यवाद। जोरदार ताली होना चाहिए। आइए माननीय खुटौना प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता महोदय हमारे ललित बाबू, अंतिम में इनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द रखेंगे। आइए ललित बाबू। आज इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, जिला से आए हुए कवि अभिनेता महोदय, इस पंचायत के मुखिया मध्याह्न भोजन के पदाधिकारी श्री पवन जी, उपस्थित जितने भी शिक्षकगण, शिक्षिका बहने,
मेरे छात्र छात्रा सभी को हार्दिक अभिनंदन। यह शिक्षा संवाद क्यों रखा गया है? बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा संवाद, आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसमें संवाद कार्यक्रम रखा गया और वह प्रत्येक पंचायत में डीएम साहब के द्वारा कराया गया था, प्रत्येक जिला के प्रत्येक पंचायत में कराया गया था। और आज शिक्षक संवाद कार्यक्रम भी कराया जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भी योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है वो जन जन तक पहुंचे और जन जन को ये पता हो कि हमारा अधिकार क्या है और हम अपने अधिकार के लिए कहां तक सरकार से लाभ ले सकते हैं। शिक्षा संवाद हर एक पंचायत, हर एक विद्यालय, हर एक जिला में चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमारे जितने भी जनता लोग हैं या जनता लोगों को जानकारी मिले कि हमारे सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा योजना है वो सभी को मिले और सभी के घर घर तक यह कार्य क्या कर योजना पहुंचे, जिससे हम हमारे लिए यह योजना है और हमें यह योजना चाहिए। इसलिए यह शिक्षा संवाद सभी के द्वारा चलाया जा रहा है और हम सभी से आग्रह करेंगे कि सब जितने भी योजना के बारे में सर बताए हैं सब हम लोग सभी मिलकर इस योजना का लाभ उठाएं, जितना अधिक से अधिक हो लाभ उठाएं। और छात्र छात्रों से मेरा यह कहना है कि प्रत्येक दिन स्कूल विद्यालय आए और विद्यालय में जो पठन पाठन कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका लाभ उठाए, जिससे हमें योजना का भी लाभ मिलेगा और हमें ज्ञान का भी। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। हमारे Line 50.